बिस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल मैथमेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स और थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स तो लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में आज मैं आपको डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा और हम प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम टेक्निक्स भी यहां सीखेंगे तो अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी है हमारे पास लिमिट अप्रोचेस टू ए x इज इक्वल टू ए अगर हमारे पास कोई सिंगल वेरिएबल हो उसपे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जिस x जिसको अप्रोच कर रहा है वो नंबर हमारे पास आ जाएगा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने से पहले मैं यहां लिख रहा हूं ये जनरली मैं यहां पे ले रहा हूं एफोफेक्स और जियोफेक्स दो फंक्शंस हैं हमारे पास गिवन मैं क्या कह रहा हूं लिमिट अप्रोचेस टू ए एफ इज इक्वल टू एल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जियोफेक्स इज इक्वल टू एम मैंने एफओ दो फंक्शंस लिए मैंने जब एफ ओफेक्स पे लिमिट अप्लाई की तो वह रिजल्ट दे रहा है हमें एल और जब मैंने जियोफेक्स पे लिमिट अप्लाई की तो वह रिजल्ट हमें क्या दे रहा है एम तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स वो कह रहा है कि अगर हम दो फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सम फंक्शन पे तो वो जो हमारे पास होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स के बराबर होगा अब कैसे होगा हम यहां पे लिखते हैं मैथमेटिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स प्लस जियो फैक्स इज इक्वल टू अब हम इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी के तहत तो क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ओफ एक्स होगा प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जियोफेक्स यानी कि इस पे सेपरेटली हम सम के फॉर्म में लिमिट अप्लाई कर देंगे अब मैंने यहां पे दोनों फंक्शंस को ऊपर लिखा था जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ओफ एक्स था तो रिजल्ट आ रहा था एल और जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जियोफैक्स था तो रिजल्ट आ रहा था हमारे पास एम तो मैंने यहां लिख दिया एल प्लस एम अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन अब दो फंक्शन है यहां भी हमारे पास क्या है एक इक्वेशन दे दी है सम की फॉर्म में तो हमने क्या करना है इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट इस पे मैंने अप्लाई की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स पे प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फाइव पे अब यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं जब हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में होगा लिमिट अप्लाई की तो जिसको एक्स अप्रोच कर रहा था वो नंबर मैंने यहां लिख दिया वन और फिर मैं सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए सी इज इक्वल टू सी तो जब मैंने इस पर अप्लाई की तो हमारे पास कांस्टेंट पे अप्लाई करें तो वो कांस्टेंट नंबर ही होता है तो यहां पे हमारे पास क्या आया फाइव तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स तो हमारे पास यहां सिक्स आंसर आ गया अब मैं कह रहा हूं द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन क्या कह रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस हो उस पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स के बराबर होगा हो कैसे होगा यहां पे अप्लाई कर रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब ये फंक्शन किसके बराबर था मैंने लिखा था एल के बराबर था मैंने यहां एल लिख दिया और ये हमारे पास किसके बराबर था एम के बराबर था मैंने यहां एम लिख दिया तो क्या है हमारे हम एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करना चाहें तो मैंने क्या किया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फाइव अब यहां पे फिर मैं इस यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं तो आंसर क्या आया वन और यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं तो आंसर क्या आया फाइव तो वन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया माइनस फोर यहां पर हमने कॉन्स्टेंट अगर सिंगल वेरिएबल हो सम ऑफ लिमिट्स और प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स को हमने दो फंक्शंस का अगर सम हो और दो फंक्शंस का अगर डिफरेंस हो सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोल दिया दो फंक्शन का डिफरेंस हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अब यहां पे क्या है हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए ये वाली इसका मतलब क्या है यहां पे इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस फॉर्म नहीं बननी चाहिए मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे फंक्शन ले रहा हूं और फंक्शन का रिजल्ट अनडिफाइंड दे रहा है यह इनफाइनाइट लिमिट्स में भी एक्सप्लेन करना था मगर यहां पे प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें अगर आप इस चीज को डिस्कस कर लें ये तो कर लेंगे तो ये बेहतर होगा तो हमने क्या किया अगर मैं कह रहा हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचे अप्लाई करता हूं तो ये अनडिफाइंड वैल्यू दे दे यानी कि देफिनिटी दे दे और ये भी हमें इन्फिनिटी आंसर दे रहा हूं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में अगर ये आएगा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसको नहीं रहने देना तो अगर हमारे पास यहां पर रिजल्ट आ रहा है अगर यहां पे कोई एक फंक्शन भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे लेट्स सपोज मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ओफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो रिजल्ट दे दे एल और जब मैं लिमिट अप्रोचेस टू जीओफेक्स पे रिजल्ट अप्लाई करता हूं लिमिट तो ये दे दे रिजल्ट अनडिफाइन इन्फिनेट रिजल्ट दे दे इसे मैं मैथमेटिकली लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे ख्याल से आप क्लियरली यहां पे इस चीज को नहीं समझ समझ सकेंगे वैसे तो मैं अगर इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूं मैं यहां पे एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि अगर मैं लिमिट लिमिट अप्रोचेस टू पे अप्लाई करूं और ये रिजल्ट दे दे हमें अनडिफाइंड इंफिनिटी रिजल्ट दे दे और मैं जब जियो फैक्स पे अप्लाई करता हूं ये भी हमें रिजल्ट अनडिफाइंड दे दे तो ये अगर फॉर्म आ जाए तो ये अनिफाइन इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है ये फॉर्म हमारे पास नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म से बचने के लिए अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन भी कोई नाउन रिजल्ट दे दे यानी कि उसका आंसर एग्जिस्ट करे सपोज मैं इस पे पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये रिजल्ट दे रहा है एल और पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो ये रिजल्ट दे रहा है अनडिफाइंड तो इस फॉर्म में आ जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट ठीक होगा यानी कि हम हमने इस फॉर्म से बचना है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में ये रिजल्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए तो इस को इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं और इन फॉर्म को मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जीरो बाय जीरो फॉर्म या इस तरह की फॉर्म आ जाए तो उसको हम नहीं लिख सकते अब नेक्स्ट आते हैं हमारी स्क्रीन पे है फाइव प्रॉपर्टी है हमारे पास फाइव प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है हमें इज एनी रियल नंबर देन अगर कोई के हमारे पास कोई रियल नंबर हो यानी कॉन्स्टेंट हो तो हम क्या कहेंगे इस कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ओफ एक्स हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू थ्री एक्स इज इक्वल टू अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूं तो थ्री इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स लिमिट फंक्शन पे हमने अप्लाई की एक्स पे अप्लाई की तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या आएगा सिक्स तो मैंने यहां सिक्स लिख दिया अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सिक्स पे चलते हैं तो प्रॉपर्टी सिक्स क्या थी द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स वो कह रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट कोई दो फंक्शन है प्रोडक्ट फंक्शन है दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जरब हो रहे हैं उन उनपे लिमिट अप्लाई करें तो जो हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू वो फंक्शन किसके बराबर होगा सेपरेटली दोनों पे हम लिमिट अप्लाई करके उस फंक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे तो क्या करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स Limit X to A, X. मैंने यहां पे लिमिट सेपरेटली फंक्शन फंक्शन फर्स्ट पे भी अप्लाई कर दी और लिमिट सेकंड फंक्शन पे भी अप्लाई कर दी अब जब मैंने लिमिट को फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया एल और जब सेकंड फंक्शन पे अप्लाई किया तो आंसर क्या आया एम अब ये जो फॉर्म मैंने साइड पे लिखी है जीरो क्रॉस इंफिनिटी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है यानी कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन हो फर्स्ट फंक्शन को अप्लाई करने से लिमिट जीरो रिजल्ट दे और सेकंड फंक्शन को अप्लाई करने से लिमिट इनिटी दे तो इस तरह की फॉर्म जो होगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो इस तरह की फॉर्म से हमने क्या करना है बचना है इस तरह की फॉर्म हमारे पास नहीं आनी चाहिए तो क्या होगा अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एफ एक्स को डिफाइन करूं तो ये रिजल्ट दे वन और जब मैं इसको पे लिमिट अप्लाई करूं ये रिजल्ट दे इन्फिनिटी तो वन क्रॉस इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए तो इस ऐसे हम इसको लिख सकते हैं यानी कि जीरो क्रॉस इंफिनिटी फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है ठीक है यहां पे मैं आपको प्रॉपर्टीज में ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो इस तरह की फॉर्म में हम उस उसपे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे उसे दूसरी फॉर्म में लेके आएंगे फिर उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन टू एक्स एक्स प्लस फोर जब मैंने इस इसपे लिमिट अप्लाई की लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन टू एक्स सेपरेटली मैं दोनों फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं फोर तो इस पे जब मैंने एक्स की, तो 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 की, तो तो की जगह वन आ गया अब इसको जब सम किया तो क्या आया टू इंटू फाइव मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया टेन तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे अब हम आते हैं नेक्स्ट uh, प्रॉपर्टी uh, की तरफ वो कह रहे limits, वो कह रहा है अगर हमारे पास जो लिमिट है वो क्वेश्चन की फॉर्म में दी हो लेट्स सपोज पी बाई क्यू की फॉर्म में वो दी हो और जब हम उसपे लिमिट अप्लाई करें तो वो सेपरेटली दोनों पे अप्लाई होगी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में और जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए लिमिट अप्लाई करने के बाद यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए तो इसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स ये किसके बराबर था एल के बराबर और ये किसके बराबर था एम के बराबर मैंने यहां लिख दिया और यहां पे साइड पे मैं बता भी रहा हूं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता एम इज इक्वल टू नॉट 0 एम 0 के बराबर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि जीरो बाय जीरो हमारे पास नहीं आ सकती जब, जहां पे मैंने आपको किया था, x हो और x में क्या डिफरेंस है, तो वहां मैंने इस फॉर्म को बड़े अच्छे अंदाज एक्सप्लेन किया था तो हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की एग्जाम्पल तर, की तरफ फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस थ्री तो ये हमारे पास फंक्शन था तो जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तो सेपरेटली मैंने दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू थ्री टू एक्स प्लस फोर और लिमिट एक्स अप्रोचे टू थ्री एक्स प्लस थ्री तो जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो यहां पे रिजल्ट हमारे पास क्या आया टू इंटू थ्री सिक्स प्लस फोर और जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो थ्री प्लस थ्री तो आंसर हमारे पास क्या आया टेन बाय सिक्स तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होर रेज की पावर एन Where n is an integer, अगर इस फॉर्म में हमारे पास ल, फ, हमारे पास प्रॉपर्टी हो तो हम उसपे लिमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होर रेज की पार एन इज इक्वल टू एन रेज की पावर एन इसको एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू एक्स माइनस थ्री होर रेज की पावर थ्री तो जब मैंने इस पर लिमिट अप्लाई की तो क्या आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू एक्स माइनस थ्री होर रेज की पार थ्री इज इक्वल टू जब मैंने इस पर लिमिट अप्लाई की तो यहां पे क्या आएगा टू इन फोर तो जब टू को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है एट एट में से जब मैंने थ्री निकाल दिए तो बाकी क्या बचा फाइव फाइव की पावर थ्री अगर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या है? वन ट्वेंटी फाइव तो ये मैंने यहां पे प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ पोलिनोमियल और रैशनल लिमिट को हम दोनों को डिफाइन करेंगे रैशनल फंक्शन को तो अल पोलिनोम फंक्शन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पोलिनोम फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है पी ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज की पार एन प्लस ए एन माइनस वन रेज की पार एन माइनस प्लस बी प्लस ऑन प्लस ए ए वन एक्स प्लस ए नॉट तो इस फॉर्म में इसे लिख लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज ट्रू दैट लिमिट एक्स टू ए पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ ए व्हेन पी इज अ फंक्शन तो ये पोलिनोम फंक्शन की डेफिनेशन थी पोलिनोम फंक्शन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं और जब हम उस पर अप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में आता है जबकि हमारे पास p जो है ये पोलिनोम फंक्शन होना चाहिए अब हम आते हैं रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन कैन बी रिटर्न फॉर्म आर ओफ एक्स इज इक्वल टू पीओ एक्सर किस वेर पीओ एक्स क्यूफेक्स आर बोथ पोलिनोमल फंक्शन रैशनल फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और पीओ एक्स और क्यूफेक्स दोनों क्या होने चाहिए पोलिनोमल फंक्शन होने चाहिए इट इज ट्रू दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जब हम पे करें, तो वो आर ऑफ ए के बराबर आएगी वेन एवर आर रैशनल फंक्शन है एंड ऑफ नॉट जीरो और जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू ऑफ एक्स जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए वेन एक्स इज इक्वल टू ए जब एक्स ए के बराबर हो तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी पोलिनोम फंक्शन रैशनल फंक्शन की तो इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं तो जनाब करना क्या है आपने अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है तो मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए अला हाफिज